ओम शांति। आज है 27 अक्टूबर 2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न: सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर: संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी व बातचीत बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। वरदान: शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन: किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति।